हाय फ्रेंड, मैं निवेदिता पाल। वेलकम टू माय किचन चैनल सुपर मोम की रसोई में मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो डिश का नाम है पालक पनीर। तो आइए फ्रेंड, हमें पालक पनीर के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग सबसे पहले कुकर में थोड़ा पालक को बॉईल करेंगे। तो हम लोग कुकर में पालक ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके 10 मिनट तक पालक को बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग एक प्लेट में पालक को निकाल चुके हैं। अभी पालक को थोड़े देर के लिए हम लोग ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम लोग मिक्सर में हम लोग पालक को पीस देंगे। तो आइए फ्रेंड, थोड़ा पालक को ठंडा होने दीजिए। तो फ्रेंड, पालक ठंडा हो चुका है। अभी आइए हम लोग मिक्सर में पालक को पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग मिक्सर में पालक को ऐड कर चुके हैं। अभी हम लोग इसे पीसेंगे। फ्रेंड, ये एक हरी मिर्च है, अभी इसको भी थोड़ा ऐड कर देंगे। इसको भी एक बार चला देंगे। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कि पालक पीस चुका है कि नहीं। हाँ फ्रेंड, पालक पीस चुका है। अब आइए हम लोग पालक को कटोरी में ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग पालक का ग्रेवी एक प्लेट में निकाल चुके हैं। अभी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई में तेल ऐड कर देना है। तो फ्रेंड, तेल को गर्म होने दीजिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग कटा हुआ पनीर इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, तेल गर्म हो चुका है। अभी हम लोग पनीर इसमें गर्म ऑयल में ऐड कर देंगे और थोड़ा पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, पनीर फ्राई हो चुका है, अच्छा कलर भी आ चुका है। अभी हम लोग पनीर को प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम लोग पनीर को एक प्लेट में निकाल चुके हैं। फ्रेंड, वही बची हुई ऑयल में हम लोग थोड़ा सा अभी पाँच फोड़न ऐड करेंगे, थोड़ा सा कसूरी पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरे मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अभी इसको थोड़ा भूंज लेना है फ्रेंड। और थोड़ा सा अभी आपको हींग ऐड कर देना है। ये अभी भून चुका है। अभी हम लोग पालक को अभी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड, पालक को ऐड कर चुकी हूँ। अभी हम लोग ये गरम मसाला थोड़ा ऐड कर देंगे। फ्रेंड, अभी आपको 5 मिनट तक पालक को ऐसे ही चलाना है। फ्रेंड, आप इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा दही ऐड करना चाहूंगी, खट्टा दही। अभी थोड़ा सा आपको नमक ऐड कर देना है। फ्रेंड, पालक में थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा तब हम लोग पनीर को ऐड कर देंगे।
फ्रेंड पालक में गाढ़ापन आ चुका है। अभी हम लोग फ्राई किया हुआ पनीर पालक में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। अभी इसको 1 मिनट तक आपको पकाना है। तो फ्रेंड आपका पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। अभी हम लोग पालक पनीर को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है और खाने में भी उतना ही यम्मी लगेगा। तो फ्रेंड आप एक बार घर पर बना के देखिए। अभी पालक का सीजन, आप जरूर घर पर बनाए। आप इसे नान रोटी जिस किसी भी से भी खा ले फ्रेंड, ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देती रहूँगी। धन्यवाद।